एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी सरासा टंडन सोशल मीडिया पर छाई रहती है। फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं। रासा टंडन जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। जी हां, रासा अजय देवगन की भतीजी अमन देवगन के साथ अपना फिल्मों में कदम रखेगी। अब बेटी की पहली फिल्म को लेकर रवीना टंडन काफी चिंतित है। जी हां, रवीना ने मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के पास विश्व प्रसिद्ध भोजपुर मंदिर जाकर भोजेश्वर महादेव के दर्शन किए। रवीना ने बेटी के लिए पूजा पाठ किया और आशीर्वाद लिया। बता दें कि रासा अपना बॉलीवुड डेब्यू अभिषेक कपूर की फिल्म आजाद के साथ करने वाली है और फिल्म आजाद का एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू हो चुकी है। यहाँ आसपास के जिलों में करीब 15 से 20 दिन तक फिल्म की शूटिंग चलेगी। रासा के साथ उनकी माँ रवीना भी मौजूद है। रवीना टंडन ने भोपाल की जहानुमा रिट्रीट में बेटी रासा का 18वां बर्थडे मनाया। रासा का जन्म 16 मार्च 2005 को हुआ था। वो अभी सिर्फ 18 साल की है। रासा के लिए यहाँ एक सरप्राइज पार्टी रखी गई थी, जिसमें फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अभिषेक कपूर, रवीना टंडन और उनके पति अनिल थडानी सहित फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो भारत।